एक मेरे गुरु जो हैं आफ्ताब गुल गुरु, गुरु हैं मेरे उनके छोटे भाई एक अम्बेसडर थे शहबाज वो फौत हो गए उनसे शहबाज से बड़े लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज शहीन बड़ा मोतमिर आदमी बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में भी मोतबिर था तो जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो उन्हें कहा कि देखो ओ काका काका -का कहते मुझे अगर आप पत्थर चढ़ा दो देख पे और इसमें घी भी डाल दो और उसमें ये भी डाल दो और मिर्चे भी डाल दो और टमाटर भी डाल दो आलू भी डाल दो और फिर और कहो कि पुलाव पक जाएगा ये नहीं होगा इलेक्शन कराएंगे वो लोग जिनके पास पैसा है वही आएंगे आखिरी इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि दूसरी इलेक्शनों की तरह धांधली हुई अगर आप फॉर्म फोर्टी फाइव रखें और उस पर फैसला करें एक दिन में फैसला हो जाएगा लेकिन अगर आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल हाईकोर्ट दो ही बनाएंगे ऐसे ऐसे तो फिर तो आप वक्त गुजार देंगे ना ऐसे बिल्कुल आगे इतना चल जाए सो तो आप नवरत्न ढूंढे और मुझे लिस्ट दे मोहम्मद ख़ान साहब लंदन से लिखते हैं मैं इंजीनियर हूँ और मैं कामयाब इंजीनियर हूँ इंग्लिस्तान में मैं रहना चाहता हूँ पाकिस्तान में और लेकिन मेरा सवाल यह है कि मैं पाकिस्तान में सरवाइव कैसे करूँगा और मुझे इज़्ज़त और मेरी वैल्यू जो यूके में मिलती है वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी हाँ जी मोहम्मद खान जीता पहली जनरेशन होती है ना जो हिजरत करती है उसको खारिश रहती है मुल्क की खारिश तो वापस आते हैं ना फिर वो कहते हैं नहीं नहीं है तो मेरा मेरा आपके दिल से मशवरा है आपको इज्जत मिली हुई अच्छी नौकरी मिली तनख्वाह मिली हुई है मकान आपने खरीद लिया चलो मॉडगेज करके न, नेवर, नेवर ही मन मैं कहना नेवर बेसिस वैसे होंगे तो देंगे आराम से रहें वहाँ और इज्जत से रहें इज़्ज़त मिल रही है वैल्यू होती है आपकी काम करें फिर एक आमिर यासीन साहब हैं हेलो मिस्टर बुखारी पाकिस्तान डूब रहा है क्लेब्स कर रहा है वालदेन बड़े वरिड हैं कि बच्चों का मुस्कबिल क्या होंगे आप लोग स्किल सेट करें डॉक्टर और इंजीनियर बनने का आप बताएं वही सवाल प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड जॉइंट डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान जुडिश्री फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर आर डिफरेंस विदरी चौधरी साहब चीफ जस्टिस जो मारे थे एंड इट्स बैकग्राउंड यार क्या यासीन भाई क्या बच्चों जैसी बात करते हाँ हम मुश्किल में हैं हाँ हमने कर्जे लिए हुए कर्जे जो लेने हैं वो वापस भी करने पड़ते हैं हमने वी हैव टू प्रोड्यूस मोर हमारा अगर एग्रीकल्चरल बेस है मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर शुरू होनी चाहिए और दे उनको प्रोड्यूस एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से नहीं हम चीन का मुकाबला चीन में महंगाई होगी वहाँ वहां वैसी बढ़ गई है कर सकते हैं मैं जो न्यूयॉर्क गया एक तो दफा लंडन गया मेड इन बीतना मेड इन बांग्लादेश भैया हम भी बना सकते हैं ना हमारी टेक्सटाइल बड़ी बड़ी बारह बाकी इफार चौधरी साहब से मेरा कोई जाती झगड़ा मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं होता आपने खत लिया हाँ लिखा लिखा मैं सोलह फरवरी 2007 को है मुझे तो नहीं पता था ना कि आप कि परवेज मुजरीफ साहब उनके खिलाफ को हरकत करने लगे मुझे पता होता कि उनको रिमूव करना मैम मेरा बाजू को बड़े में में हुआ कि मैं खत लिखता मुझे उनकी कुछ हरकतें और उनके एटीच्यूडी भैया आप चीफ जस्टिस हैं थोड़ी देर के लिए यहीं से भेजूंगा अडयाला जेल यहीं से भेजू वो क्यों भाई आपके पास कलम है आप जो करना चाहते हैं करें लिखें कौन रोक सकता है आपको उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने परवेज मुश इल्जाम है, मैं नहीं था उस मीटिंग में बिल्कुल नहीं था हालांकि परवेज मुशरफ साहब मिलता रहता मुझे अच्छे लगता कि उन्होंने ये भी कहा कि वो यानी चीफ जस्टिस साहब और परवेज मुशरफ साहब मिल के पाकिस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं इलेक्शनों की जरूरत मुझे नहीं पता ये बात सही है कि नहीं बात सामने हुई होती तो मैंने जो लिखा यहाँ तो कोई मुझे कहे कि मैंने गलत लिखा एक शख्स कहे भाई उनका हक था मुझे कंटेम्प नोटिस देते मुझे सजा देते मैं तो तैयार था मैं कहा था बिजनेस है या भाई ये गोलियां शोलियां खाना मैं नींदर दिया या जो भी खाता था सिपलेक्स भी खाता था तो वो वो मुझे दे देते मैं तो बिल्कुल तैयार था जाने के लिए बिल्कुल तैयार हम इसको कहाँ से लिखते हैं वो मुझे नहीं पता है लेकिन वो उर्दू में लिखते हैं कि हमारे टी वी ड्रामों में इंडियन कल्चर क्यों आगे गया, आगे गया। और मोहब्बत तलाक झगड़े और गलाजत के अलावा कुछ नहीं बेटा मैं नहीं टी वी देखता हूँ हम मैं टी वी नहीं देखता जो साला कमरा है उस पर जो कैमरे लगे हैं बाहर कैमरे लगे हैं उसे बताते हैं गाड़ियाँ कौन सी बाहर खड़ी हैं सर so, बेटा मैं नहीं देखता हूँ टेलीविजन जो साथ वाला कैमरा जो कैमरे बाहर लगे हैं वो सिर्फ दिखाते हैं कि बाहर गाड़ियाँ तो नहीं कोई चोरी हो रही है। तो आप आप कर लेना आप जहाँ भी आएँ आप ड्रामे बनाने शुरू कर दें थोड़े तो से पैसे खर्च होंगे ना उधार लेके बना लें गलाजत ना दिखाएं उसमें जो आपका दिल करता करें ये ऐसे थौड़ियाँ मारने का मुनासिब नहीं है जावेद मसूद साहब कहते हैं कि मैं स्पेन से स्पेन से लिख रहा हूँ मैं रिसर्चर हूँ मैं अंदरून शहर से हूँ क्या आप समझते हैं कि जो अंदरून शहर में रोज होता है अंदरून शहर में पैदा होता है वो ज़्यादा चलाक होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है इसका जवाब लंबा है मैं अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा वो आप कभी पाकिस्तान आए तो मैं मुंह द्रू सुनाऊंगा वो कहानियां टीवी पर सुनाने वाली नहीं है स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली पहले कामरान साहब ने भी एक लिखा है कि मुझे एक चीज बड़े साल से मिल रही है कि बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी एक्सोडस आने से और विद सो मच पैशन और पाकिस्तान बनया वेर वी करप्ट ऑलरेडी और डिड क्या पहले से ही करप्ट थे और डिट हैपनिंग इन द हिडन कॉरिडोर ऑफ पार टू इवन बाबा जी काद अजम कादम रमत किसी को अकेले बात नहीं करने देते थे लॉर्ड माउंट बैटन से या किसी और से कहते मेरे जेब में तो खोटे सिक्के हैं आई हैम काउंटर फिट कॉइंज इन माई पॉकेट अब हमने क्या किया हमने कॉम्पनसेट किया जो महाजिर आए उनको यहां घर और जमीन दे दी हिंदुस्तान ने नहीं दी भाई उनको लीज करते समझ पैसे होंगे तो दे दें पैसे कागजों के ऊपर मैं आई उतर बड़े अठासी मुरबे छोड़ के आया हूं ये देखें कागज सो मे बी वी स्टार्ट रॉन्ग मे बी स्टार्ट ला मैं तो मैं अपने कॉलेज सिटी लॉ कॉलेज में एक एकदार कहा था कि आप पहले कंप्यूटर चेक करें और देखें हिंदुस्तान की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी कितनी जबानतनी कायदे जहमत को ये उनके जहन में डाल दिया गया कि उर्दू अगर आप जबान रखेंगे तो ये मुल्क एक हो जाएगा कोजन यूनिटी पैदा करेगा क्यों भाई बंगाली आपने मानी जाके उन्नीस सौ छप्पन में क्यों भाई आपने नुआबजादी लिया खान को पहला वजीर आजम बना दिया ईस्ट पाकिस्तान से क्यों नहीं बनाया तो और उन्नीस सौ छप्पन के आयन में उनकी आबादी ज्यादा थी उनने पैरिटी दी बराबर तो हम तो ईस्ट पाकिस्तान के जो अंदर ख्वाहिशें थीं और जो उनका ख्याल था कि हमें मिलेगा और यह कि पाकिस्तान बनाने में उनका हाथ था बड़ा वो हमने नहीं किया सो आप हम में कोई खराबी है कोई जेनेटिक है आप बानो कुत्सिया ने एक दफा कहा मुझे कि जो लोग हराम खाते हैं यहां जो लोग बदी करके जिंदा रहते हैं बुराइयां करके जिंदा रहते हैं उनके जीन्स में असर आ जाता है उनकी औलाद कभी ठीक नहीं होगी जैसे मेरा जाती ख्याल जिस घर में बाप मां की पिटाई करता है वो बेटे को यकीन हो जाएगा कि बीवी की पिटाई होती है गालियां देता है तो वो दे गए। और जिन बेटियों के सामने उनकी मां को मारा जाता है वो बेटियाँ समझेंगी यही जिंदगी है सो आई डोंट नो कि हम पहले ख़राब थे या अब खराब यानी हम फील्ड मार्शल यूब खान साहब ने या भी जनल थे, आ, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का दिया जिसमें हक के तलाक बीवी को तफ्स करने का या, या। पास ऑन करने का ज़िक्र है खफा हुए लोग इस्लाम के साथ आप घेर लेंगे तलाक़ देना चाहे तो वो भी दे सकती बल्कि आपने निकाह नामक से पढ़े कॉलम फिफ्टीन के बाद दो कॉलम पढ़ें। शहर के तलाक़ देने के हक़ पर भी कंद खन लग ला सकते आपने कहा सिविल कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है उसकी भी खिलाफ हुई परवेज मुशरफ साहब यानी हमारा जो मर्द है मैं तलाक तो नहीं देऊँगा फ्यामत हो जाए तो, तो रााक नहीं दे मैं ही दूँगा मैं बच्चे छून लूँगा मैं खर्चा नहीं दूंगा मैं कहूंगा बच्चे मेरे नहीं है ये हैं हम मरता है इसको छिड़ा जाता है तो जनाब नहीं आप हमारे मजहब को खराब कर रहे हैं आज की अखबार में मैं था था। 88 परसेंट या 96%, 95% परसेंट परसेंट जापानी औरतें नौकरी कर रही हैं ढूंढ रही हैं अमेरिका में कहा हमारी औरतें क्यों घर बैठी हैं क्यों ना काम करें वो वाई नॉट वर्क सो आप uh, मुझे नहीं पता वट इज इट वट वट डू वी नीड लो जी और भी सवाल है मेरे पास लेकिन लिटरेचर इज फॉलिंग डाउन वो भी वो मैं मंडी बावदीन से अबरार साहब आपने पूछा है और एक, uh, <laughs> एक और भी बकौल उस्ताद दामन का बया वो मैं अगले प्रोग्राम में आपसे हाज़िर हूँ अर्ज करूँगा अल्लाह हाफ़िज़